और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में आगामी 16 मई 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में आ रहे हैं। स्थान आपको बता दें, श्रावस्ती एयरपोर्ट के बगल में ये भूमि पूजन किया जा रहा है भाजपा नेताओं के द्वारा। भाजपा के विधायक श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फिरन पांडे और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा श्रावस्ती 58 के साकेत मिश्रा व अन्य तमाम जो है श्रावस्ती लोकसभा के जो भी नेतागण हैं भाजपा के, वो सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और भूमि पूजन कराया जा रहा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनेगा। श्रावस्ती एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ वहाँ पर जो है ज़मीन चिन्हित किया गया है जहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके आने से पहले भूमि पूजन हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा विधायक राम फिरन पांडे और भाजपा प्रत्याशी श्रावस्ती लोकसभा 58 के साकेत मिश्रा ने कहा कि ये हमारी संस्कृति है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग वहाँ का भूमि पूजन करते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण पड़ने वाले हैं यहाँ इस स्थान पर। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अपने प्रत्याशी के समर्थन में, एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के तमाम नेता यहां पर, भाजपा के नेता पदाधिकारी, बलरामपुर जनपद के भी विधायक और पदम सेन चौधरी हैं एमएलसी व तमाम जो है भाजपा जिलाध्यक्ष भी यहां पर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष, सभी लोग यहां पर हैं। सभी लोग इस भूमि पूजन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और अभी आइए हम बात करते हैं श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फिरन पांडे से, जिन्होंने जानकारी दी है कि श्रावस्ती का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती जनपद में 16 मई को पहुंच रहे हैं। और भाजपा विधायक राम फिरन पांडे ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने मैदान में 16 मई को पहुँचें। आइए हम बात कर लेते हैं भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा से और श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फिरन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला 16 तारीख को, उसके लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा सनातन है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया। हमारे माननीय प्रत्याशी जी ने किया, साथ में हमारे उत्तर प्रदेश संगठन के मुखिया माननीय धर्मपाल जी थे, हमारे दोनों जिला के जिलाध्यक्ष थे, विधायक तुलसीपुर भी थे, तमाम कार्यकर्ता थे, स्वाति तिवारी जी भी थी और सारे लोग थे। हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और रैली को सफल बनाना है 16 तारीख को, जो अभी तक लक्ष्य दिया गया 1 लाख से अधिक लोग श्रावस्ती में मोदी जी को सुनने के लिए आ रहे हैं और यहीं से हुंकार भर करके भारी बहुमत से कमल खिलेगा। नमस्कार। 16 तारीख को आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से जो भूमि पूजन भी हुआ है वो प्रतीकात्मक है कि श्रावस्ती के लिए एक विकास की नई यात्रा शुरू हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि श्रावस्ती, एक नया श्रावस्ती हम लोग बनाएंगे। नमस्कार। ओम श्री अनंतनाय नमः स्वाहा, भूमे नमः स्वाहा, स्वाहा सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भद्रम कड़े विष्णाम देवा भद्रम पश्येमा धीरे जुना धीरे से महदेवितायो संत पुत्रो यत पुत्रो भवत मानो मध्यालिस्तारो। ओम दुर्गा लाक्षसुति सदासतमं विश्वान देव शंकर देवतांतासु यद भद्रम तनयासु। तो ये जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है, सामने आप देख सकते हैं श्रावस्ती का एयरपोर्ट बन करके तैयार है। सामने जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो श्रावस्ती एयरपोर्ट है और उसके जस्ट सामने आपको बता दें
यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जो विशाल टेंट पंडाल यहाँ पर लगने वाला है उसको लेकर के तैयारियाँ हो रही हैं, और इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वयं श्रावस्ती भाजपा विधायक ने कहा है कि 1 लाख से भी अधिक लोगों के आने की संभावना है और यहीं से हुंकार भरी जाएगी, और अब की बार 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है वो सार्थक होगा। और यहीं पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती की बलरामपुर की जनता को संबोधित करेंगे। पूरे मंडल से प्रदेश से लोग आएंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएँ। तो सामने ही एयरपोर्ट है, संभवतः प्रधानमंत्री जी का जो विमान है वो एयरपोर्ट पर ही उतरेगा और एयरपोर्ट के बाद में वो सीधा यहाँ पर आएंगे और जनता के सामने होंगे। अपने प्रत्याशी लोकसभा 58 भाजपा के जो प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर के उनके आने से पहले श्रावस्ती में उनके चरण पड़े उससे पहले ही भूमि पूजन किया जा रहा है तमाम भाजपा नेताओं के द्वारा। और जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ, धीरे धीरे ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको अपडेट देता रहेगा सारी खबरों के बारे में।